अक्सर क्या होता है कि अपने ही नेटवर्क्स के प्रोग्राम में जाते हैं। मैं यहां पे आज नेटवर्क्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन होता क्या है कि अपने ही नेटवर्क्स के लोगों की बातें सुनते हैं, अपने ही जिन लोगों को बारे में बार बार सुना होता है उनके बारे में बात सुनते हैं। लेकिन आज मैं यहां पर खड़े होकर सर मुझे वो VR1 की याद आ गई। VR1 में जब कंपनी की पहली एनिवर्सरी हुई थी तालगढ़ोड़ा स्टेडियम में, तो वहां पे ना ये नेटवर्क्स नहीं थे, वहां पे सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम पता क्या था? वो नाम था सेफ शॉप। और हम सब ना सिर्फ सेफ शॉप के बाशिंदे हुआ करते थे। आज जब जैन साहब अपनी स्पीच यहां से दे रहे थे, तो सच्चाई आपको दिल की बात बताऊं, मुझे कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो शायद मेरा नाम भी लेंगे। लेकिन जैन साहब थैंक यू करना चाहूंगा आपको कि आपने मेरा नाम लिया और इस चीज का एहसास दिलाया कि हम सब एक कंपनी का हिस्सा है, हम सब भाई हैं और एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और दोस्तों जब भी यह एहसास होता है, जब भी यह एहसास होता है तो काम करने का मन और करता है। सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा कंपनी को जिन्होंने कि आज इतने शानदार प्रोडक्ट दिए, इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम हुआ, बड़े सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास में थे और बड़े सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आज और हमारे पास में आ गए। मुझे याद है आज से कुछ शायद 2 या 3 साल पहले जब हमारा रिटेल लॉन्च हुआ था, आज तो रिटेल और बैटरी खत्म हो गया, सब पीवी में आ गया हमारा, लेकिन उस रिटेल पर जब हमारा लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के एक होटल नोवोटेल में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर कि हमारे कुछ प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च हुए थे। उस फंक्शन में स्पीच देने का मौका मुझे भी मिला। हमारे उस दिन कुछ हॉमा के प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे जहां तक कि मुझे आज याद आ रहा है, उसमें कुछ नोनी प्रीमियम एलोवेरा जूस वो लॉन्च हुआ था। जब मैं स्टेज के ऊपर आया और स्टेज पर आकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि सर आज तो ये आया है, लेकिन एक दिन आएगा जबकि चाय भी आएगी और चावल भी आएगा। जब मैं नीचे उतरा तो हरीश जी ने मेरे को कहा, यार क्या कह दिया स्टेज से, ये चावल और चाय की तो मैंने कई बात हमने सोची भी नहीं। मैंने कहा सर चिंता ना करो, जब FMCG प्रोडक्ट्स में आने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना आए। लेकिन अगर मैं उस दिन की बात और आज की बात याद करूं, तो जब मैं उठता हूं तो सेफ शॉप की बेडशीट से उठता हूं, जब मैं उठता हूं तो ब्लैंकेट सेफ शॉप का उठाता हूं, जब मैं वॉशरूम में जाता हूं तो पेस्ट में सेफ शॉप की यूज करता हूं, जब मैं नहाता हूं तो साबुन में अपनी कंपनी का यूज करता हूं, जब मैं शैंपू करता हूं तो अपनी कंपनी का शैंपू यूज करता हूं, तब तक मेरी वाइफ चाय बना रही होती है तो हमारी कंपनी की बना रही होती है, जब मैं कहता हूं कि नाश्ता बनाओ तो उसमें शायद जो मिर्ची और जो हल्दी यूज होती है वो हमारी होती है, और मैं जब उठ के तैयार होता हूं, कुछ क्रीम लगाता हूं, कुछ मॉइस्चराइजर लगाता हूं तो अपनी कंपनी का लगाता हूं, सूट पहनता हूं तो अपनी कंपनी का। टाई आज तक बाहर वालों की पहनता था, लेकिन टाई और वॉलेट भी आज से अपना ही मैं इस्तेमाल करूंगा, अपनी कंपनी का। जब मैं तैयार होकर जाता हूं तो आजकल वो प्रोटीन पाउडर पीने का सबसे बड़ा चस्का है, मैं भी पीता हूं तो अपनी कंपनी का ही पीता हूं, साथ में वो लीवर वाला क्योंकि थोड़ा बहुत शौक भी रख लेता हूं तो लीवर वाले टैबलेट भी अपने ही लेता हूं, अपनी कंपनी की लेता हूं। तो दोस्तों आज ये तो सिर्फ मैंने थोड़ी सी बात बताई, लेकिन असलियत ये है कि सुबह से लेकर रात तक आज अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये सुबह से लेकर रात तक जब अपने प्रोडक्ट्स यूज करता हूं तो दिल को खुशी होती है और सच्चाई वह है कि कमाई भी होती है। बात अभी जब अप्लायंस की हो रही थी, अभी जब अजय सर ने स्टेज से कहा ना कि आज यहां पर बैठे लोगों में से अगर मैं देखूं, अगर उनकी छाती फाड़ू तो उनकी अप्लायंस की फोटो उनके अंदर नजर आएगी। अजय सर ने भी ये वाली बात कही, सर आज जो आपने हमारे लिए और मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए जो शब्द बोल दिया ना, वो एक तस्वीर आपकी भी छवि में छप रही है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये अपलाइन जो चीज है ये कैसे होती है, ये अपलाइन का एहसास है, ये अपलाइन क्या कर सकती है, मैं छोटी सी एक कहानी से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति बाजार में फ्रूट्स लेने के लिए जाता है, जो फ्रूट्स की रेड़ी में जाता है
तो वो पूछता है कि ये सेब क्या भाव दिए हैं। तो जो बेचने वाला होता है वो कहता है कि सेब 200 रुपए में। फिर वो पूछता है कि अनार कैसे दिए हैं, तो वो बताता है कि अनार भी 250 रुपए किलो है। फिर वो पूछता है कि अंगूर कैसे दिए हैं, तो कहता है कि अंगूर 200 रुपए किलो है। और फिर वो साथ में देखता है कि अंगूर के साथ में कुछ टूटे हुए अंगूर एक छोटी सी टोकरी में पड़े हुए थे। एक तो थे अंगूर जो कि गुच्छे के साथ बंधे हुए थे, और उसके साथ में कुछ अंगूर थे जो कि टूटे हुए से पड़े हुए थे। जब वो पूछता है कि ये टूटे हुए से अंगूर है ये क्या भाव है, तो वो दुकानदार बताता है कि ये 20 रुपए किलो है। तो वो पूछता है कि फर्क क्या है, एक अंगूर जो गुच्छे में लगे हुए हैं वो 200 रुपए किलो है, और एक अंगूर जो टूटे हुए हैं वो 20 रुपए किलो, फर्क क्या है। तो वो बताता है कि ये वाले अंगूर जो 200 रुपए किलो है, ये जो गुच्छे में है, ये अपनी जड़ के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो टूटे हुए हैं ये अपनी जड़ छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर तो आप अपनी जड़ को पकड़ के रखेंगे, वो जड़ कौन है, वो जड़ कौन है, अगर तो आप अपनी जड़ को पकड़ के रखेंगे, आप अपनी अपलाइन से पकड़ के रखेंगे, उनकी कई हुई बातों को मानेंगे, वो जिस तरीके से चलने को कहते हैं उस तरीके से चलेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो आपकी कीमत भी बढ़ती रहेगी, आप भी अपने नए नए लेवल अचीव करते रहेंगे, डायमंड बनते रहेंगे। लेकिन अगर अपलाइन को छोड़ दिया तो सच्चाई आपको बताऊं, आपकी कीमत लगातार लगातार और लगातार गिरती रहेगी। दोस्तों अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई ऐसा है हमारे 500 डायरेक्टरों को छोड़ के जिन्होंने कि नहीं यार, इसको थोड़ा सा उल्टा कहता हूं, मेरे को पानी मिलेगा। अगर मैं इसको कुछ उल्टा कहूं तो वो ये कहूं कि आज आप सब हर्ष बिरला या दीपक बिरला को जानते हैं, तो वो जानते हैं कि उनके पास ऑडी है और कई सारी कारें हैं, हमारा घर दिखा दिखा के बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली बात कहूं कि आज से 19 साल पहले जब हमने अपनी आईडी सेफ शॉप पे ली थी, तो हम अपने स्कूटर पे आए थे, वो स्कूटर का नंबर DL4S8532 था, नीले रंग का, जो बजाज कलर का वो स्कूटर था जिसपे की पहली बार हम सेफ शॉप में आए थे। अगर आज वहां से वो सब कुछ वो जो अचीव करा है वो स्कूटर पे हमको देखने वाले शायद यहां पर अगर हैं, तो हरीश जी, रजत जी, एक बंदा जो पीछे सामने हंस रहा है, मनोज शर्मा जी, क्योंकि मनोज शर्मा जी की भी कहानी अगर मैं आपको यहां से बताऊं तो मनोज जी ने हमारे साथ में तब ज्वाइन किया था 2001 में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ जाते हैं ये सोचकर कि नहीं यार वो सब कुछ नहीं है जो सब कुछ मैं सोच कर आया था। मनोज शर्मा जी पहले 2001 जनवरी में हमारे साथ में ज्वाइन हुए, लेकिन जल्द ही बिजनेस को छोड़ गए, और उसके बाद 2009 या 2010 में दोबारा ज्वाइन करा, और आज फिर दोबारा से हमारे बिजनेस में डीवीएस बनने वाले हैं मनोज जी और हमारे 500 डायरेक्टर यहां पर जो बैठे हुए हैं वो कुछ चुनिंदा शख्स हैं जिन्होंने कि हमको स्कूटर में देखा हुआ है। लेकिन दोस्तों वो स्कूटर से लेके आज ऑडी तक का सफर, एक छोटे से घर से लेकर एक बड़े घर का सफर, एक 5,000 रुपए महीने की इनकम करने वाला, अगर आज मैं कहूं कि मैं अपनी 4 ID से कैपिंग पे हूं, 32 लाख रुपए महीने का सफर, वो 32 लाख रुपए महीने का सफर, ये करना एक आम नौकरी पेशा आदमी के लिए या एक छोटा मोटा काम करने वाले के लिए आसान नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि आज एक ऐसा लेवल बन गया है कि बहुत बड़े बड़े रईसों को जानता हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कि अपने बिजनेस में 32 करोड़ रुपए लगा रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी 32 लाख रुपए नहीं कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कि अपने बिजनेस में 320 करोड़ रुपए लगा रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी 32 लाख रुपए नहीं कमाते हैं। अगर यह हो सकता है, अगर ये पॉसिबल हो पाया है, तो सिर्फ एक चीज से हो पाया है, वो है नेटवर्क बना के। अगर नेटवर्क बनाकर आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, यहां बैठे हजारों लोगों के साथ है। अगर आज मैं यहां पर कुछ लोगों की अगर बातें बताऊं,
सामने अजय पिल्ले जी बैठे हुए हैं। अजय पिल्ले जी एयरफोर्स में नौकरी किया करते थे, शायद जो तनख्वाह थी वो 10-12 हजार रुपए की थी। अजय जी कितने की? 4 हजार रुपए की। मैं आज तक 10 हजार रुपए कहता आया था, आपसे 4 हजार कहां होगा। अजय पिल्ले जी ने जब नौकरी कर रहे थे तो 4 हजार रुपए की तनख्वाह दी थी, 13 साल 13.5 साल की नौकरी हो गई। और हम अजय जी को कहते थे कि फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाओ, और सिर्फ हम ही नहीं कहते थे, अजय जी खुद की भी बड़ी इच्छा थी कि फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाए। 15 साल पूरे होने के पूरे जिंदगी भर की पेंशन मिलनी थी। और हिंदुस्तान का कोई एक ही कौन ऐसा घर नहीं है जो कि हिंदुस्तान में पेंशन का सपना ना देखता हूं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जो कि पेंशन का सपना ना देखता हो। 13.5 साल की नौकरी करके सिर्फ 1.5 साल और नौकरी कर लेते तो जिंदगी भर की पेंशन मिल सकती थी। लेकिन अजय ये बोलते थे कि नहीं सर, मुझसे नहीं हो पा रही नौकरी, मैंने तो अपना नेटवर्क बढ़ाना है, मैंने तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। और दोस्तों 13.5 साल की नौकरी छोड़कर वो आ गए इस बिजनेस में। आज जब उनकी फोटो पिछले 27 नवंबर को सक्सेस डे में खिंचवाई थी ना, तो 80 लाख की गाड़ी एक साइड में थी और 1,20,00,000 की गाड़ी एक साइड में थी, और अजय पिल्ले बीच में था। अजय पिल्ले बीच में था। फिर कहता हूं, अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाकर हो सकता है। एक बात और कहूंगा दोस्तों, अपनी आखिरी बात कहूंगा, वो आखिरी बात क्या कहूंगा कि आसान नहीं है, आसान नहीं है। अपना पसीना नहीं, अपना खून बहाना होगा तो ये नेटवर्क बनता है। लोग सोचते हैं कि हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला बड़े किस्मत वाले हैं, अगर हमको भी पहले दिन कंपनी मिल गई होती तो आज हम भी इनकी पोजीशन पे होते। तो लोग सोचते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं, ये पहले दिन मिल गया, अगर हमें भी मिल गई होती तो हम भी 32 लाख रुपए जाकर कमा रहे होते। लेकिन उन सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन पहले दिन 14 दिसंबर 2002 कंपनी शुरू हुई थी ना, उस दिन ज्वाइन करने वाले सिर्फ हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला नहीं थे। उस दिन भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले पहले दिन कुछ 30-40-50 लोग थे। उस पहले महीने हमारे साथ ज्वाइन करने वाले कंपनी में 200-400 लोग थे। लेकिन आज उसमें से कोई भी नहीं है। कोई है तो बताओ? कोई नहीं है। लोगों को लगता है कि पहले दिन ज्वाइन हो गए इसलिए मुकद्दर बड़ा अच्छा और इसलिए यहां पर आ गए। मुकद्दर नहीं, पसीना नहीं, अपना खून बहा है इस नेटवर्क को बनाने के लिए। पर दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि जो मजा, जो आनंद और जो सपने नेटवर्क बना के पूरे हो सकते हैं ना, वो बाहर कभी नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, और मैं यहां से कहता हूं कि नहीं, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दो कि दुनिया में आसान क्या है? क्या नौकरी करना आसान काम है, या कोई दूसरा काम धंधा करना बहुत आसान है? नहीं दोस्तों, यहां से अपनी बातों को खत्म करूंगा। सिर्फ एक चीज कहूंगा, सिर्फ एक चीज, ये सपना बनाओ तो ये बनाओ कि नेटवर्क बनाना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। थैंक यू सो मच।